आलू और चने तैयार किए हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। किस तरह तैयार किए हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना है और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर भी करें और अच्छी लगी तो जल्दी से पहले लाइक का बटन दबाना है। चलिए तैयार करते हैं आलू चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुरम होंगे। आज मैं बना रही हूँ चने आलू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। किस तरह बनते हैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक काम मैंने करना है। अभी मैंने एक पाव चने लेकर वो मैंने भिगो दिए थे 2 से 3 घंटे, और फिर उसको मैंने अभी मैंने इसमें इतना सारा पानी इसलिए डाला है कि हम जा रहे हैं बड़े बेटे का एडमिशन करवाने, जिसने रिसेंटली अभी हिफ्स किया है। तो एडमिशन खुले हैं या नहीं खुले, और अगर खुल गए हैं तो हमें क्या तरीका अख्तियार करना है, तो हम ये पता करने जा रहे हैं। तो इसके लिए ना अब मैंने ये किया है कि जब तक हम वापस आते हैं तो चने गल जाएं, टाइम ज़ाया ना हो। तो चने मैंने इतने सारे पानी में भिगो दिए, भर के मैंने रख दिया। 1 चाय का चम्मच नमक और 1/2 चाय के चम्मच मीठा सोडा डालकर मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसको धीमी आंच पर रख कर चली जाऊंगी। ये मैंने ढक दिया है, इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा। तो चलिए आइए चलते हैं, ज़रा हमारे साथ चलें। आ गया है जी ऑफिस, हम उतर गए हैं मोटरसाइकिल से नीचे, तो देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं, एडमिशन ओपन हो गए हैं कि नहीं हो गए जी। एडमिशन तो अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि उनका कहना है कि जब स्कूल ओपन होंगे तो तब एडमिशन ओपन होंगे। तो अब हम वापस जा रहे हैं, तो चलिए घर जाकर खाना बनाते हैं। शॉप्स खुली हैं लेकिन रश नहीं है, सिर्फ एक एक कस्टमर ही अंदर जाता है। अच्छा जी, वापस आ गए हैं और चने जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फूल गए हैं, बहुत ही अच्छे गल गए हैं। मैंने इससे चेक किया है, और बस ये थोड़ा सा पानी है, तो जब तक ये पानी थोड़ा सा कम होता है तो हम जो है ना वो मसाला तैयार करते हैं इसका। जी कढ़ाही में मैंने डाल दिया है घी, 1/2 कप घी गर्म हो गया है। 1 अदद दरमियाने साइज की प्याज को मैंने ब्लेंडर में डालकर जो है ना पेस्ट बना लिया, वो मैं डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, इसको हम करेंगे फ्राई। जी 4 से 5 मिनट हो गए हैं प्याज को फ्राई करते हुए, प्याज अल्हम्दुलिल्लाह प्याज अच्छी सी फ्राई हो रही है। अब 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 से 2 मिनट इसको भी फ्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी लहसुन भी हमने फ्राई कर लिया है 2 मिनट। अब यहाँ पर है ना मैंने 3 अदद टमाटर जो थे दरमियाने साइज़ के पेस्ट बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शामिल कर देते हैं और 1-2 मिनट इसे भी चला लेंगे। अच्छा जी 2 मिनट हो गए हैं इसे भी चलाते हुए, ये देखिए आप कि इसने घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है इसका। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि मैंने बना कर रखा हुआ है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है सालन में। तो हल्का सा फ्राई करेंगे। अब जो मसाले मैंने डालने हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि नमक तो मैं पहले भी 1 चम्मच शामिल कर चुकी हूँ चाय का, मज़ीद 1 चम्मच में शामिल कर दूंगी। 1/2 चाय की चम्मच हल्दी है मैं डाल दूंगी, और अब मिर्चें मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 चाय का चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ली है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। 1 चुटकी कलौंजी ली है, और अजवाइन को मैंने पीस लिया है 2 चुटकियाँ। ये मैं तमाम मसाले इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे 4-5 मिनट तक।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। अच्छा जी, हमने इसको 4-5 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह भून लिया है। ये देखिए मसाला जो है हमारा माशाल्लाह से घी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 अदद आलू थे जिसको मैंने छील कर धो लिया है और पानी में यहाँ ऐसे छोटा छोटा सा कट कर लिया है। अब ये आलू जो है मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं के साथ भी इसको 2-3 मिनट जो है वो भून लेते हैं। मिलती हूँ आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलू भी 3-4 मिनट हमने भून लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह मसाला जो है बहुत ही अच्छा बन गया है। और यहाँ पर चनों को मैंने अलहदा कर लिया था, पानी अलहदा है, तो मैं अब ये चने इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम चनों को भी 3-4 मिनट जो है इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। चनों को भी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने 3-4 मिनट जो है इसके साथ भून लिया है। तो अब मैं जो पानी था चनों का बचा हुआ वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। पानी मैंने शामिल कर दिया है, आलूओं ने भी गलना है इसमें। तो हम यहाँ पर जो मसाले शामिल करेंगे वो है 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया जिसको मैंने दरदरा सा कर लिया है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है जिसको मैंने पीस लिया है, और 1/2 चाय की चम्मच काली मिर्च है। तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हमने इसको पकाना है जब तक कि आलू गल ना जाए। मिलती हूँ आलूओं के गलने पर। जी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आलू माशाल्लाह बहुत अच्छे गल गए हैं। अब यहाँ पर हम 1/2 चाय के चम्मच जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला ऐसे छिड़क कर और इसको जो है ना हम ढक देते हैं, दम लगाएंगे इसको। 2-3 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलू चने हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। और इसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आपने कमेंट करके मुझे बताना है रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें क्योंकि मैंने छोटे बेटे को खाना खिलाना है। अल्लाह हाफ़िज़।